महल की तरह दिखने वाला ये वो घर है जो कि बॉलीवुड में हीरोइन बनने के बाद श्रीदेवी ने खरीदा था। अपनी कमाई से उन्होंने पहली जो संपत्ति बनाई थी वो ये बंगला है। श्रीदेवी जब मुंबई से चेन्नई जाती थी तो इसी घर में ठहरा करती थी। श्रीदेवी के निधन के बाद बोनी कपूर ने उनके चेन्नई वाले बंगले को रिनोवेट करवाया है। बोनी कपूर और जाह्नवी ने इस घर को श्रीदेवी का मेमोरियल बना दिया है। घर के एक एक कोने में श्रीदेवी की झलक मिलती है। श्रीदेवी की बेटी जाह्नवी कपूर ने खुद एक वीडियो के जरिए पूरा घर दिखाया है। सबसे पहले तो जाह्नवी ने अपनी माँ की इस अमानत का लिविंग रूम दिखाया। बेशकीमती सोफा, पेंटिंग, सजावटी सामान, मूर्तियों, फोटो फ्रेम्स और चैंडलर से सजा उनका घर पहली ही झलक में किसी महल जैसा दिखता है। लिविंग रूम को क्रीम और गोल्डन कलर से सजाया है। इस हॉल को श्रीदेवी के विदेश से लाए साज सज्जा के सामानों से सजाया गया है। लिविंग रूम के बगल में ही बोनी कपूर का ऑफिस है। उनके दफ्तर में श्रीदेवी और परिवार की तस्वीरें सजी हैं। इसके बाद जाह्नवी ने घर का डाइनिंग स्पेस दिखाया। यहाँ 9 कुर्सी वाला डाइनिंग टेबल लगा है। देखा जाए तो खाने की जगह को भी बहुत भव्य लुक दिया गया है। घर में कई ऐसी पेंटिंग्स हैं जो खुद श्रीदेवी ने बनाई थी। जाह्नवी ने वो पेंटिंग्स भी दिखाई जो उनकी माँ की पहली पेंटिंग है। श्रीदेवी का ये घर 2 मंजिल का है। घर की सीढ़ी को भी इतना रॉयल लुक दिया है कि देखने वाले की आंखें ठहर जाएं। श्रीदेवी के खरीदे सजावट के हर सामानों को यहाँ सजाया गया है। सालों से श्रीदेवी ने कई पेंटिंग्स और कलाकृतियां जमा करके रखी थी और उन सभी को इस घर में लगा दिया गया है। जाह्नवी ने घर की यादगार दीवार दिखाते हुए अपना माता पिता की शादी की तस्वीरें दिखाई और कहा कि किसी तरह की सीक्रेट वेडिंग थी। जाह्नवी ने एक दीवार पर लगी अपने माता पिता की शादी की तस्वीरें भी दिखाई। साथ ही उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने सीक्रेट शादी की थी, इसलिए सब इतने तनाव में लग रहे हैं। जाह्नवी कपूर ने अपना बेडरूम भी दिखाया और बताया कि इसको उनके पिता बोनी कपूर ने डिजाइन किया है। पहले ये कमरा श्रीदेवी का हुआ करता था, लेकिन अब इसमें जाह्नवी रहती है। जाह्नवी ने यह भी बताया कि ये बंगला कुछ साल पहले पूरा खराब हो गया था। लॉकडाउन के दौरान बोनी कपूर यहाँ आए और पूरे घर को रिनोवेट करवाया। पूरा घर जब तैयार हो गया तब बोनी कपूर ने इसे तोहफे के तौर पर बिटिया को दे दिया। इस घर में एक ऐसा वॉशरूम है जिसे देख जाह्नवी को लगता है कि वो ग्रीस पहुंच गई हैं। उनके घर में इस बाथरूम को देखने हर गेस्ट आता है। साथ ही जाह्नवी ने यह भी बताया कि उनकी माँ ने उन्हें अपने बाथरूम के दरवाजे पर ताला नहीं लगाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि जाह्नवी वॉशरूम में फोन पर लड़कों से बात करे। श्रीदेवी की याद में जाह्नवी के वॉशरूम में अब भी लॉक नहीं लगवाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट E24।